इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमने पुलिस से भी इस मामले में बात की और जाना कि आखिर मुकेश की मौत के मामले में अब तक कार्रवाई क्या की गई है। हमें पहले पुलिस से टीआई पुलिस इंफॉर्मेशन मिली थी, जीएच से कि ऐसे बर्न केस के अंदर एडमिट है मुकेश नाम का गांव का साहब 42 ईयर्स है इसके। उसके बाद ये भ्रम शक्ति में लेके गए थे, वहाँ इसकी डेथ होगी। तो इसका जो भाई है उसके स्टेटमेंट के ऊपर फर्स्ट ऑफ आल 307 FIR 307 IPC का वाटर, उसकी डेथ होगी 302 में कन्वर्ट हो चुकी है वो। और उनकी स्टेटमेंट जो FIR लॉन्च करवाई, उन्होंने बताया कि उसका भाई जो है गया था उधर, किसान आंदोलन है, आंदोलनकारियों में वहाँ पे भाई नहीं बताया किशन नाम का और एक और कोई बता रहे संदीप और दो कोई और, और उनका जो स्टेटमेंट जो FIR लॉन्च करवाई उसमें वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तेल छिड़क के जो आंदोलनकारी तेल छिड़क के उनकी तेल छिड़क के आग लगा दी। तो अभी ये घास का विषय अभी FIR लॉन्च कर दी है और अभी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से, जो जो फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से फिर सारी इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी। आरोपी रहने वाले कहाँ के हैं सर? अभी बताया है कि आरोपी जो है जींद का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक व्यक्ति का टीकरी बॉर्डर के पास उसे जला दिया गया, 90% तक जली अवस्था में उसको अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि ये आंदोलन नहीं ये अपराध है। बहुत बड़ा आरोप संबित पात्रा ने लगाया। हम आपको हरियाणा सरकार का पक्ष भी इस मामले में सुनाएंगे, आपने पुलिस की भी बात सुनी, परिवार का दर्द भी जाना, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पूरी घटना है क्या, कब घटी, कैसे घटी और क्यों घटी। इस वक्त हमारे साथ कुमार सोनू हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जो लगातार कल रात से इस खबर पर लगातार सारे तथ्य सारे सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की राय भी जान रहे हैं। कुमार सोनू, आप ये बताएं कि ये घटना आखिर हुई कितने बजे, कहां हुई और कैसे हुई? देखिए मीनाक्षी, परिवार वालों का कहना है, मुकेश के जो परिवार वाले हैं उनका ये कहना है कि मुकेश जो है 16 तारीख को शाम को तकरीबन 5-5:30 बजे के करीब जो रोहतक बाईपास पर जहां पर किसान बैठे हैं पिछले तकरीबन 6.5 महीने से, वहां पर वो गया था, वहां पर वो बैठा, जैसा कि मुकेश के भाई ने हमें बताया कि उन्होंने ड्रिंक वगैरह भी की। उसके बाद किस बात को लेकर विवाद हुआ ये भी जांच का विषय है, लेकिन मुकेश के भाई का कहना है कि वहीं पर ही नज़दीक पर ही एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले एक कर्मी का उनके पास फोन आया, उन्होंने बताया कि भाई आपका भाई वहां पर जली हुई अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके बाद मुकेश का भाई सुनील गांव के प्रधान और गांव के एक दो लोग जो है वहां पर पहुंचे जहां पर वो जला हुआ था। उसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल से उसे रोहतक PGI में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां पर बंद वार्ड नहीं था, कोविड के चलते बंद था, तो लिहाजा उसे रेफर किया गया जहां पर उसकी ब्रह्म शक्ति एक निजी अस्पताल है वहां पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिवार का आरोप है कि ये साजिश के तहत उसके भाई को जलाया गया है, मुकेश को जलाया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे, क्योंकि जब तक मुकेश जिंदा था तो उसने कुछ परिवार वालों ने उसकी कुछ वीडियो बनाए जिसमें वो आरोप लगा रहा है कि उसके ऊपर तेल डाला गया, उसके बाद एक शख्स ने उसमें आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने शुरुआत में इसमें धारा 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर किया था, लेकिन अब मुकेश की मौत हो गई है तो वो जो FIR है वो 307 से बदलकर 302 में कन्वर्ट कर दी गई है, हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। फिलहाल अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, आखिर क्या साजिश थी, किस मंशा के तहत जो है इस वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश कर रही है। आप बात कर रहे हैं क्योंकि कुमार सोनू, संबित पात्रा ने जो बात लिखी और अखबार की जिस कटिंग का हवाला देते हुए उन्होंने बात लिखी उसमें भी इस खबर में लिखा हुआ है कि ये कहा गया कि शहीद हो जा, ये किस तरह की बातें थी, ये बात किसने कही, इस पर भी अगर आपके पास कोई डिटेल आई हो तो साझा करें। देखिए परिवार वालों का यही कहना है कि ये पूरी एक तरीके से साजिश हुई, और जो मुकेश के भाई सुनील से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब उन्होंने मुकेश का वीडियो भी बनाया तो उसका ये कहना था कि मुकेश या उन लोगों से ये कह रहा था कि वो अब घर जाना चाहता है, तो उनमें से एक शख्स ने उसे कहा 5 मिनट रुक जा, उसके बाद तुझे सीधा घर ही भेजेंगे, और उसके बाद इस वारदात को ये पूरी जो घटना है ये सामने आ गई। तो ऐसे में अभी आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, राजनीति भी इसमें शुरू हो गई है, लेकिन पुलिस का साफ ये कहना है कि जब तक टोटल कितने आरोपी थे, कितने जो आरोपी हैं वो आइडेंटिफाई ना हो जाए, उनसे पूछताछ ना हो जाए, जब तक कहना कुछ भी आसान नहीं होगा, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस अभी
कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन पुलिस का कहना है मामला दर्ज कर लिया गया है, 302 की FIR इसमें मीनाक्षी दर्ज कर दी गई है। वहीं परिवार का आरोप है कि ये शहीद हो जा उसके बाद मुआवजा वगैरह आपको मिलेगा, किसानों के आंदोलन को कामयाब, तो ये तमाम अभी आरोप हैं। अब बिल्कुल, और मुकेश के भाई को भी हम सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि केवल आवाज से मुकेश ने इतनी बुरी स्थिति में भी उस व्यक्ति को पहचान लिया, केवल आवाज से भी। वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस पूरी घटना पर गांव के प्रधान का क्या कहना है ये भी आपको जानना जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये जानकारी भी होगी आपके सामने। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।